अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। रुको, मैं दानियाल से पूछना चाहती थी कि किस हक से वो मेरी बेटी को आधी आधी रात को घूमने फिराने लेके जा रहा है। मैं घूमने फिरने नहीं गई थी और ना ही दानियाल के साथ गई थी। हाँ, उसने मुझे ड्रॉप ज़रूर किया है और वो जल्दी में गया है क्योंकि राहिल का एक्सीडेंट हो गया। राहिल का एक्सीडेंट हो गया? ठीक तो है जी, बस पैर पे चोट आई है। मुझे साथ लेके जाना था ना। आप घर पे ही नहीं थी। अच्छा ठीक है, कल ले जाना। क्या सोचेगा दानियार कि वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है और मैं उसके भाई की अयादत के लिए भी नहीं गई। नहीं, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। राहिल ठीक है, तकलीफ मत कीजिएगा। बेवकूफ हो तुम, ऐसे लोगों से राहो रस्म रखनी चाहिए, खास तौर पे बेटियों वालों को। ये जो अमीर घरानों के लोग होते हैं ना, ये सफेद पोश खास तौर पे हसीन लड़कियों को तरजीह देते हैं। प्लीज मुझ पर कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा और ना ही आप दानियाल के घर जाएंगी। सालेहा की मिसाल आपके सामने ही है। मैं सोने जा रही हूँ। अच्छा सुनो, सोले आई। सालेहा, सानिया, तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। हानिया, हम ही मुझे शहजाद की गैर मौजूदगी में जबरदस्ती ले आई। तुमने भी तो हमेशा यही किया है, अम्मी की बातों में आके अपनी जिंदगी को इतना मुश्किल कर लिया है। क्यों कि तुमने इस तरह शादी इतनी जल्दबाजी में, बगैर पता कि ये कैसा है, घर कैसा है, लोग कैसे हैं उसके घर में। भुगतो आप, निभाओ शादी। हाँ हाँ अम्मी तो तुम्हारी दुश्मन है अजल से, तुम्हारी भी और तुम्हारे बाप की भी। ना आज तक तुमने मुझे माँ समझा, ना उन्होंने अपनी बीवी समझा, जैसे मैं तो कोई बच्चलन औरत थी। आपने कब अब्बू की इज्जत की है? सारी जिंदगी आपको गुरूर रहा है अपने हुस्न पर, अपनी शॉपिंग से फुर्सत ही नहीं मिली। ना अच्छा देखा ना बुरा देखा, कर दी सोलह की शादी। अब शहजाद भाई आते तो उनसे कोई मैं बात करती, उनको उनकी माँ बहन की ज्यादतियाँ बताती मैं। अब अगर गुस्से में सोलह को छोड़ दिया शहजाद भाई ने तो आप क्या करेंगी? तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनने दूंगी। मुझे नसीहत करती हूँ और खुद आधी आधी रात को बाहर घूमती हूँ। आप कैसी माँ है? तुम कैसी बेटी हो आनिया? देखो तो सही सोलिया की हालत ऐसी थी ये? नई नई शादीशुदा लड़कियों रोज पार्लर जाती, उसकी हालत देखो जैसे बरसों की बीमार। अम्मी, आपको शहजाद भाई से बात करनी चाहिए थी। शहजाद से पूछ के ही लाई थी, खुद तो दूसरे शहर बैठा है और इसको उसकी माँ ने नौकरानी बनाया। मैं इसे मरने के लिए छोड़ देती? अच्छा, आप बात खत्म करें, मैं खुद शहजाद भाई से बात करूंगी। नहीं, ये रिश्ता मैंने किया था ना, मैं खुद देखूंगी। सोलेहा, शहजाद भाई का कैसा रवैया था तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। बहुत अच्छा, लेकिन उनकी माँ और बहन, ये देखो आनिया, मेरा हाथ भी जल गया। ये कैसे हुआ है? दम का कीमा बना रही होगी उस बुढ़िया के लिए। मम्मी प्लीज, आप उनके बारे में बुरा बोलना छोड़े, सालेहा का और दिल खराब हो गया। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मरहम लगाओ, मेरे साथ ही सोना। हाँ हाँ ले जाओ, इसको भी भड़काओ माँ के खिलाफ। लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं, इसे मैं गुलामी करने के लिए नहीं भेजूंगी। तेरी कैसी औलाद, पछतावा हो रहा है मुझे कि मैंने तुम लोगों के लिए अपनी जवानी जाया की।